हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बतलाने वाले हैं कि देखिए ये जो मशीन है ये कटर मशीन है, लेकिन जानते हैं कि आपका ये जो कटर मशीन है ये सिर्फ पत्थर नहीं काटता है बल्कि ये बहुत घरेलू उपयोगी में भी काम आता है। जैसे कि आपको मैं बतला रहा हूँ कि जैसे अब ये मशीन तो एक है, लेकिन आपको इसी मशीन से यदि पत्थर काटना है तो देखिए आपको ऐसा ब्लेड लगाना है, ये देखिए, और लगाने की विधि ये देखिए, जैसे ये है आपको बता रहा हूँ, ये इस तरह के लगा करके और ये इस पे लॉकिंग रख करके और ये कस जाएगा, ये देखिए इस तरह से लगा देंगे तो अब जो है ये पत्थर काटने का काम करने लगेगा। ये देखिए ये वाला ब्लेड से पत्थर कटेगा, लेकिन आपको यही वाला जो मशीन है इसी से आपको अगर लकड़ी काटना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ इसका जो ये ब्लेड निकाल देना है आपको, ये देखिए ये ब्लेड निकाल देना है और लगा देना है ये लकड़ी काटने वाला ब्लेड, ये देखिए। अब आप लकड़ी काटने वाला ब्लेड लगा देंगे तो ये लकड़ी काटने लगेगा, ये देखिए इस तरह से लगेगा, ये देखिए इस तरह से ये लग जाएगा और आपको ये लकड़ी काटने का काम करने लगेगा, ये देखिए। अब इसी मशीन से, अब मैंने आपको पहले बताया कि पत्थर कटेगा या झिर्री कटेगा या ईंट कटेगा जो कि ये इस ब्लेड से कटेगा, लेकिन अब अगर मुझे लकड़ी काटना है तो ये ब्लेड लगा देंगे तो इससे आपको लकड़ी कटने लगेगा। अब आगे मैं बतलाने वाला हूँ कि देखिए इसी से आपका लोहा भी कट जाएगा, तो आपको लोहा काटने के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको इस ब्लेड को भी निकाल देना है, ये देखिए ये निकल जाएगा और आपको ये वाला ब्लेड लगा देना है, ये देखिए ये, और ये लगा करके आपको ये कर देना है, फिर कस देना है आपको, तो इससे क्या होगा अब आपका लोहा कटने लगेगा, ये देखिए ये देखिए। तो एक ही मशीन में आप जैसा ब्लेड इसमें लगाएंगे, जैसा चेंज करेंगे, वो वैसा चीज़ काटने लग जाएगा। एक मशीन में कई काम होते हैं, तो देखिए ये आपको घरेलू यूज में भी काम आ सकता है और वैसे इंडस्ट्रियल यूज में तो आता ही है, वर्कर काम में आता ही है, बाकी ये जो है घरेलू यूज में भी आप रख सकते हैं, क्योंकि आपको लकड़ी पत्थर ईंट वीट जो भी काटना हो, लोहा सरिया गाटर इंगल कुछ भी काट सकता है इससे, एक मशीन से आपका बहुत सारा काम होगा। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।